सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक प्रैक्टिस सेट जो कि होगा इंपॉर्टेंट आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए। इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे, तो मेरा डेली यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को एक डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाए कम से कम। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दो दो भी प्रैक्टिस सेट, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दो दो प्रैक्टिस सेट करवाने लगूंगा, मुझे कुछ नहीं दिक्कत। तो क्योंकि जितना, जैसे मैं पहले बोल रखा, जितना प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। सब नंबर आपके जानने में मदद मिलती है, गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं और कितने मार्क्स आ रहे हैं और सारी मिस्टेक्स आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। तो इस वजह से प्रैक्टिस सेट यूज़फुल होते हैं और इसी वजह से मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो आज मैं, जैसे कि बताया, इंग्लिश को करवाने वाला हूँ, तो पैसेज भी आज मैंने लिया है इस वीडियो में। और एक बात बताना चाहूँ कि बहुत लोग को एयरफोर्स जो कार्ड का वीडियो डाला था तो उसमें बहुत लोगों ने बोला कि सर उसका करंट अफेयर्स का PDF का आप दोगे। तो करंट अफेयर्स का आपका एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए तो मैंने दे ही दिया है, एयरफोर्स के लिए भी दो तीन दिन में या फिर एक दो दिन में आपका आ जाएगा पक्का। तो उसका आप चिंता मत कीजिए, PDF से बाहर नहीं जाने वाला, पिछली बार भी नहीं गया था ना, तो उसके पिछली बार और इस बार भी नहीं जाएगा। तो बस आप जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैंने आप लोगों को एडवाइस कर रखा है कि जब भी पैसेज का अप्रोच करें तो पहले इसके क्वेश्चन पढ़ लें और फिर पैसेज को पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वॉट इज़ ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैन लॉ, यानी कि लॉ से भी ज़्यादा किसको इम्पोर्टेंस दी गई, ये पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट गिव्स द कलर टू लाइफ, यानी कि कलर कौन देता है लाइफ में, कौन रंग भरता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय गुड मैनर्स, गुड मैनर्स अच्छे मैनर्स से क्या मतलब है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं और अब पढ़ते हैं पैसेज। तो मॉरल्स एंड मैनर्स विच गिव कलर टू लाइफ, अब देखिए पहली लाइन में हमें आंसर मिल गया क्योंकि वहाँ पर पूछा गया था कि वॉट गिव्स द कलर टू लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए है कि नहीं, वॉट गिव्स द कलर टू लाइफ, और इसी वजह से मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन पढ़िए और तब पैसेज पढ़िए। तो आपको तुरंत यहीं पर आंसर मिल गया कि मॉरल्स एंड मैनर्स विच गिव कलर टू लाइफ, यानी कि मॉरल्स और मैनर्स, यानी कि डी ऑप्शन में जो कि दिया है वो ऐड करते हैं इसमें कलर लाइफ में, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि पहले खुद से ट्राई करें और फिर आंसर मेरा सुनें और देखें, मैच कराएं कि आपका आंसर सही है या नहीं, और फाइनली मेरे को बताइए कि आपको कितने सही हुए, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि आर मच ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन लॉस, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन लॉस, तो उसका भी आंसर मिल गया। क्यों, फिर से मैं पढ़ता हूँ, मॉरल्स एंड मैनर्स विच गिव कलर टू लाइफ आर ऑफ मच ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन लॉस। मॉरल्स और मैनर्स जो कि कलर डालते हैं लाइफ में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लॉस से। तो जाहिर सी बात है पहले क्वेश्चन का आंसर पहला पार्ट होगा मॉरल्स एंड मैनर्स। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय गुड मैनर्स, गुड मैनर्स से क्या मतलब है। तो चलिए आगे पैसेज पढ़ते हैं, द लॉ टचेस अस हियर एंड देयर बट मैनर्स आर अबाउट एवरीवेयर प्रिवेडिंग सोसाइटी लाइक द एयर वी ब्रीथ, द एयर वी ब्रीथ द गुड मैनर्स, ये गुड मैनर्स एज वी कॉल देम आर नीदर मोर और नॉर लेस दैन गुड बिहेवियर कंसिस्टिंग ऑफ courtesy and kindness. Benevolence is the preponderating element in all kinds of mutually beneficial and pleasant intercourse among human beings. Civility loses nothing and buys everything. The cheapest of all things is kindness. It exercises requiring the least possible trouble and self-sacrifice. So, यहाँ पर पूरे पैसेज में गुड मैनर्स के बारे में बात की गई है, उसमें बताया गया है कि कैसे वो गुड बिहेवियर्स देते हैं, वो सिविलिटी लाते हैं और कर्टसी और काइंडनेस भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये और गुड बिहेवियर, ये गुड बिहेवियर आप देख सकते हो और ये कर्टसी एंड काइंडनेस। तो जाहिर सी बात है जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप लोगों को तीन क्वेश्चन मिले लेकिन आप एग्जाम में आपको चार क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर ईच ब्लैंक, यानी फोर फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन में आपको सही वर्ब भरना है। फोर्थ क्वेश्चन है, द लेसन डैश इन द क्लास लास्ट वीक, द लेसन टीच इन द क्लास लास्ट वीक, द लेसन इज टॉट, द लेसन वॉज टॉट, इफ द लेसन टॉट। तो जाहिर सी बात इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, द लेसन वॉज टॉट इन द क्लास लास्ट वीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सन हैज नॉट येट डैश राइजिंग, राइजन, राइजेज या फिर रोज। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है सेकंड ऑप्शन राइजन, द सन हैज नॉट येट राइजन, यानी कि सूरज अभी तक नहीं उगा है। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर, ही ऑलवेज डैश द गुड थिंग डन टू हिम,
फॉगेट फॉगॉट फॉरगेट्स इफ यू शैल फॉगेट। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है थर्ड ऑप्शन फॉरगेट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरल बात हो रही है हमेशा, जो कि ट्रू है, ही ऑलवेज यानी कि हमेशा, तो ही ऑलवेज फॉरगेट्स द गुड थिंग डन टू हिम, यानी कि वो हमेशा जो उसके साथ भलाई की जाती है वो हमेशा उस चीज़ को भूल जाता है। अगला है चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर ईच ब्लैंक, यानी कि सेवन्थ और एट्थ नंबर क्वेश्चन में आपको सही आर्टिकल भरना है। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है कि यजू गॉट डैश बेस्ट प्रेजेंट, यजू गॉट आर बेस्ट प्रेजेंट एंड बेस्ट प्रेजेंट द बेस्ट प्रेजेंट या फिर नो आर्टिकल। तो सही, तो क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यजू गॉट द बेस्ट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर एन नहीं हो सकता क्योंकि जब एन तभी होगा जब एक वॉवल साउंड आएगा एन के बाद, जब भी आर्टिकल के बाद वॉवल साउंड का कोई वर्ड होता है तब वहाँ पर हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया जैसे ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, ये वॉवल्स हैं, और जो भी ऐसा जैसे कि ए वाला साउंड आएगा ई आई ओ यू ऐसे साउंड आएंगे तब हम एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एट्थ नंबर, द गैंजिस इज डैश सेक्रेट रिवर, द गैंजिस इज अ सेक्रेट रिवर एंड सेक्रेट रिवर द सेक्रेट रिवर फिर नो आर्टिकल। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन द गैंजिस इज अ सेक्रेट रिवर। ठीक है, अगला है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर ईच ब्लैंक, यानी क्वेश्चन नंबर नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ में आपको सही प्रपोजिशन भरना है। नाइन्थ नंबर है कि ही इज अफ्रेड डैश द डॉग, ही इज अफ्रेड टू द डॉग ऑफ द डॉग फ्रॉम द डॉग या फिर विद द डॉग। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सेकेंड ऑप्शन ऑफ ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग। ठीक है, अगला है ही हैज नॉट येट रिकवर्ड डैश इलनेस, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस बाय इलनेस विद इलनेस या फिर फॉर इलनेस। तो इस चीज़ को रट लीजिए, हमेशा रिकवर फ्रॉम होता है, रिकवर के बाद फ्रॉम। ठीक है, अगला है ही बोस्टेड डैश हिज अकॉम्प्लिशमेंट, ही बोस्टेड विद हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स, ही बोस्टेड फॉर हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट्स या फिर एट हिज अकॉम्प्लिशमेंट। तो हमेशा ऑफ हिज अकॉम्प्लिशमेंट यानी कि ही बोस्टेड के बाद हमेशा आपको ऑफ यूज़ करना है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा जो वर्ड है स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है, ग्रामर की, अटेंडेंस की, फुलफिल की या फिर रिसीव की। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है पहला ऑप्शन ग्रामर, यहाँ पर जो ई है वो ई नहीं बल्कि वहाँ पर ए होगा, सही स्पेलिंग होगी ग्रामर की जी आर ए डबल एम ए आर, अटेंडेंस फुलफिल और रिसीव की स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी हुई है। अगला है चूज वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि आपको इसमें वन वर्ड भरना है, अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है। तो आपके ऑप्शन है लिंग्विस्ट, पॉलीगॉट, बायलिंगुअल या फिर मोनोलिंगुअल। तो बायलिंगुअल तो मतलब दो बोल सकता है, मोनोलिंगुअल मतलब एक बोल सकता है, और सही आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन पॉलीगॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 14th, ये कि द डिसीजन टेकन बाय ऑल, ये भी वन वर्ड है। तो एक ऐसा डिसीजन जो कि सभी के द्वारा लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड डिसीजन, यूनानिमस, वन डिसीजन या टेकन बाय ऑल। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि क्वेश्चन नंबर 14th का सेकंड ऑप्शन यूनानिमस। ठीक है, यानी कि अ डिसीजन टेकन बाय ऑल इज नोन एज यूनानिमस। अगला है चूज करेक्ट वर्ड टू फिल इन ईच ब्लैंक, द डैश फ्रॉम आगरा टू दिल्ली इज ₹55। तो आपके ऑप्शन है फेयर या फिर फेयर, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, सिर्फ स्पेलिंग में फ़र्क है, एफ ए आर ई वाला फेयर या फिर एफ ए आई आर वाला फेयर। तो सही आंसर इसका पहला ऑप्शन एफ ए आर ई, फेयर इसका मतलब होता है किराया। ठीक है, और ये फेयर होता है मतलब सामला, आप भी बोल सकते हो और अच्छा भी बोल सकते हो इसका मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि द कलर ऑफ राम इज़ फेयर। ठीक है, अगला है 16th नंबर, ही बुकड अ डैश इन दिस ट्रेन बर्थ या फिर बर्थ, बी आई आर टी एच वाला बर्थ या फिर बी ई आर टी एच वाला बर्थ। ये आंसर होगा इसका सेकंड ऑप्शन बी ई आर टी एच वाला बर्थ, ये बर्थ मतलब होता है जन्म, और ये बर्थ होता है जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो ही बुकड अ बर्थ इन दिस ट्रेन, तो सेकंड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द रॉन्ग पोर्शन, यानी कि इन तीनों में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। अगर
सब सही है यानी कि कोई गलत नहीं, तो आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। तो 17th नंबर क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द मैन वर टॉल। तो इसका सही आंसर है 17th नंबर का थर्ड ऑप्शन, वर टॉल। तो नीदर ऑफ द मैन वॉज टॉल होगा, यहाँ पर वर नहीं होगा, ठीक है। नीदर से यहाँ पर सिंगुलर का सेंस आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर वर नहीं बल्कि वॉज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगला है, द पब्लिक इज द गुड जज। तो द पब्लिक इज द गुड जज, यहाँ पर जो गलत पार्ट है वो है सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप द देख पा रहे हो, यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गुड है वो एक पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जो द का गलत इस्तेमाल है वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के साथ कभी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला है 19th नंबर, शी रिगार्ड्स मी लाइक हिज सन, ठीक है। तो शी रिगार्ड्स मी लाइक हिज सन, तो यहाँ पर जो गलत है वो है बी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि शी रिगार्ड्स मी एज हिज सन होगा, ना कि लाइक हिज सन, ठीक है। लाइक नहीं होगा बल्कि लाइक की जगह एज का इस्तेमाल होगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अगला क्वेश्चन है जो कि आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को देना है कि आई एक्सपेक्ट टू गेट थ्रू। इसको आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है कि आई एक्सपेक्ट टू गेट थ्रू। ऑप्शंस आपने देख सकते हो, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट थ्रू, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आई विल गेट थ्रू, या फिर टू गेट थ्रू इज़ एक्सपेक्टेड बाई मी, या इट इज़ एक्सपेक्टेड आई मे गेट थ्रू। तो इसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आप प्रैक्टिस सेट ऐसे ही चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। तो धन्यवाद।